हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वी हैव टू मेक गुड एसोसिएशन टू मेक आवर माइंड अ फ्रेंड। हमें एक सत्संग, संग नहीं, कैसा संग, सत, सत्संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तस्मात् सत्सु सजयते बुद्धियान। बुद्धिमान का अर्थ है बुद्धियान, बुद्धिमान का अर्थ है इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति को साधु संग करना चाहिए। सत्सु का मतलब है जो उन लोगों का संग करना चाहिए जो क्या करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार, जो कि कृष्ण भगवान का प्रेम पैदा करना चाहते हैं, उनके साथ संग करना चाहिए। नॉर्मल है प्रभु जी, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है किसी चीज के अंदर भी, तो आप उन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो जो उस चीज के अंदर लगे हुए हैं, राइट? बताइए, एक धावक है यू वॉन्ट्स टू रन इन द ओलंपिक्स, जो भागना चाहता है ओलंपिक्स के अंदर, वो किसके साथ ट्रेनिंग करेगा? लड़ेलू लोगों के साथ है? बताओ, है जी, या कछुए के साथ? चल तू भाग, देख मैं ही भाग, जल्दी पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा। जहां प्रभुपाद जी बताते हैं यू मस्ट एसोसिएट विद साधु, सत्सु एसोसिएट नहीं, यू मस्ट, मस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आवश्यक रूप में आपको साधु के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। सत्सु का मतलब है यहां जो कि अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सत। क्या कहते हैं उनको? सत। जब क्या वर्ड यूज किया गया साधु के लिए? सत्सु। और असत्सु कौन है? जो टेम्पररी चीजों के लिए घूम रहे हैं, वो असत है, वो असत है, वो साधु नहीं है। संतः संतः चिंदंती, संतः चिंदंती, संत मतलब संत लोग कौन है? जो साधु हैं, जो कि इस पथ पर चल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? दे कैन कट ऑफ बाय देयर वर्ड्स आवर अटैचमेंट टू मटीरियल लाइफ, मटीरियल वर्ल्ड। वो हमारी जो भौतिक आसक्ति है उसको काट सकते हैं। चिंदंती का मतलब क्या है? काटना। चिदंती का मतलब क्या है? काटना। अब काटने के लिए बताइए वो चीज क्या कहते हैं उसको? शार्प को हिंदी में क्या कहते हैं? पैनी। पैनी होनी चाहिए, या ब्लंट को क्या कहते हैं? भूटी, जिसकी धार ना हो। बताइए, धार वाला चाहिए या बगैर धार वाला चाहिए? है? काटने के लिए धार वाला वस्तु चाहिए। तो चिदंती, संत चिदंती मतलब काटता है वो। भगवान ने बताया ये सॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार। और क्या बोला आगे? संत एव हि चिदंती उक्ति भी। चिदंती मीन्स टू काट। काटने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पैनी वस्तु चाहिए। और किसको काटना है? मन को भौतिक आसक्ति से काटना है। क्या करना है? अरे भाई, आपको जब आप ऊपर पैर लेना चाहते हो तो आपको पिछला छोड़ना पड़ेगा ना? मुझे नहीं छोड़ना पड़ेगा, बताइए आप मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे पैर लेना पड़ेगा और पीछे वाले को छोड़ना पड़ेगा। अब आगे आपको पता ही नहीं आगे जाना कहाँ है और पीछे वाला छोड़ दिया तो क्या होने वाला? औंधे गिरोगे। नहीं तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, नहीं होती साइमल्टेनियसली, बताओ? होनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके ये दो टांगे हैं, आपने ऐसे हो, आपने टांगे ऐसे लगा दी और ऐसे लगा दी, क्या होने वाला है? बताओ मुझे। इसको छोड़ना पड़ेगा अब आगे बढ़ने के लिए। किसको छोड़ना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। तो साधु जो है वो क्या करता है? चिदंती काटने के लिए करना होता है, पैनी चीज। और उक्ति,
किससे काटेगा? उक्ति शब्द का मतलब शब्द, उक्ति का वर्ड का मतलब क्या है? शब्दों से। क्या है? उक्त भी चिदंती, काटता है शब्दों से। सिमिलरली व्हेन अ साधु और अ सेंटली पर्सन स्पीक्स टू दिस स्टूडेंट ही डज नॉट शो एनी मर्सी। उत्तरी की जब एक साधु पुरुष गुरु जब अपने शिष्य से बात करता है तो कोई कृपा नहीं दिखाता। रूपा जी क्या लिख रहे हैं? स्पीक्स टू हिज स्टूडेंट ही डज नॉट शो एनी मर्सी। ही डज नॉट शो मर्सी नहीं, एनी किसी प्रकार की कृपा नहीं दिखाता। वो सिर्फ सत्य बोलता है। ही स्पीक्स द ट्रुथ सो दैट हिज माइंड में बी कट ऑफ फ्रॉम द अनरियल अटैचमेंट, जिससे कि उसका मन जो है शिष्य का जो अनरियल अटैचमेंट, कौन सा अटैचमेंट हो रहा है प्रभुपाद? हाँ, तो उसमें दो चीजें हुई। रियल को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक। अवास्तविक जो आपके संबंध है, अवास्तविक जो आसक्तियां हैं, उनको काट के। हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।